भी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान पर पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करा दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस देने की पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा शकील सईद, हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के मिनिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई का इंतहाबी निशान बल्ला वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। अदालत ने आज जो है महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से इस दरखास्त की मुहालफत की गई थी। दरखास्त गुजार की तरफ से कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में गोर पार्टी चेयरमैन जो है वो बन गए थे। हमने इलेक्शन नतीज का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया, तमाम कागजात भी जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने नतज तस्लीम न किए और इंतहाबी निशान बल्ला जो है वो वापस ले लिया। इस फैसले के खिलाफ हम पिशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी। पिशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया था। हमें आरओ को वजाहत देना पड़ती है कि हम तहरीक इंसाफ से हैं, हमने सूबाई इलेक्शन कमीशन से रजू किया मगर दादरसी ना की गई, लिहाजा अदालत जो है पीटीआई का निशान बल्ला जो है वो वापस करने के अहकाम जो है वो जारी करे। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त को नाकाबिले समाअत जो है वो करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई की दरखास्त जो है वो काबिले समाअत जो है वो नहीं है। जी